हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है विशेष गुरु चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम जैसे यूट्यूब चलाते हैं, मतलब कोई भी यूट्यूब चला लिया, जैसे कोई गाना हम प्ले करते हैं, गाना प्ले करने के बाद अगर हम बैकग्राउंड गाना जो करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूट्यूब के कोई वीडियो देख रहे हो, अगर उसको प्ले करके आप होम बटन भी दबाओगे तब भी आपका वो गाना या वो वीडियो जो भी आप चीज देखना चाहते हो तब भी प्ले होती रहेगी। तो है ना बड़ी कमाल की ट्रिक। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। पहले तो मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो। उसके बाद फ्रेंड मैं यूट्यूब खोलता हूँ। यूट्यूब खोलने के बाद मैं एक ऐसी वीडियो प्ले करता हूँ जिसका मुझे कोई कॉपीराइट ना आए, क्योंकि मैं इसमें आपको तकरीबन वीडियो दिखाऊंगा प्ले करके भी कैसे आपको होता है। तो चलो हमें एक एनसीएस में एक म्यूजिक हम सर्च कर लेते हैं नो कॉपीराइट का। तो जहां पे मान लो जे वाला एक वीडियो है, आप कोई भी वीडियो ले सकते हो, आप हर किसी में वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे हमें ये वीडियो ले ली है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बगैर प्ले किए इसको पकड़ के हमने बिल्कुल लास्ट तक ले आना है, ठीक है फ्रेंड। बिल्कुल लास्ट तक ले आए, उसके बाद फ्रेंड हमने क्या करना है, उसके बाद इसको हम थोड़ा डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद जहां एक शॉर्ट का ऑप्शन रहता है, हम शॉर्ट के ऑप्शन पे ओके करेंगे। तो जहां पे हम एक कोई भी एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट देख लेना है, ठीक है। मैं आपको ये देख के दिखा देता हूँ। चलो ये वीडियो कुछ ऐसी है, मैं इसको वीडियो को पूरा देखता हूँ। तो आप तब तक वेट करना, मैं इस वजह से पूरा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे भी कोई चीट कर रहा है या आपको कोई फेक नॉलेज ना आपके पास पहुंच सके। तो ये मैं वीडियो को पूरा प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो फ्रेंड आप कंप्लीट देखते रहना, ठीक है फ्रेंड। ये पूरा 100% वर्क करेगा। ये इस वीडियो में आपको आपके सामने विद लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये वीडियो प्ले हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बैक बटन से बैक आ जाना है। उसके बाद जो वीडियो को हमने थोड़ा स्लो शॉर्ट किया हुआ था, इसको हमने दोबारा ओके कर देना है। दोबारा ओके करने के बाद फ्रेंड हमने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू लेके ना शुरू से लेके ले जाना है। उसके बाद इसको प्ले कर देना है। जैसे फ्रेंड प्ले करेंगे, जी देखो मैं थोड़ी वॉल्यूम कर देता हूँ ताकि आपके साथ सुनाई देती रहे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमने क्या करना है, होम बटन दबा देना है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड, ये वॉल्यूम में थोड़ी और तेज कर देता हूँ, ये वीडियो प्ले हो रही है। उसके बाद आप फोन में जो मर्जी काम करते रहो, काम पूरे अच्छी तरह से होता रहेगा। तो आपकी वीडियो जो भी आप देखना चाहते हो वो रुकेगी नहीं। जैसे आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, जो भी आप चलाना चाहते हो। अभी मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो, भी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको क्लियर कट सुनाई देता रहे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगर आप दोबारा उस वीडियो पे जाएंगे तो आप यहाँ से देख लो ये वीडियो पूरा चल रही है। ये मैं वॉल्यूम ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर होम बटन दबाता हूँ तो तब भी आप देखो पूरे अच्छी तरह वर्क कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो है ना बड़ी कमाल की ट्रिक फ्रेंड। इस तरह का एक दूसरी ट्रिक है, वो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हो। इसके दो तरीके होते हैं, जे तो मैं आपको दिखाया यूट्यूब से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चलाना है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। आपने यूट्यूब पे कैसे मतलब बैकग्राउंड में कैसे चलाना है। एक दूसरा ऑप्शन मैंने जे बताया दूसरी वीडियो में, जो ऊपर आई बटन में मिलेगी उसमें मैंने बताया हुआ है क्रोम ब्राउजर से हम वीडियो को बैकग्राउंड में कैसे चला सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, दोनों वीडियो मैंने बना दिया अभी की। यूट्यूब पे जाके हम बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, जो दूसरी गूगल क्रोम पे जाके हम क्या मतलब कि यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करना आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।